बहुत ही आदर और सत्कार के योग जिला पलवल आम आदमी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष भाई श्री चंद्रशेखर रावत जी, हमारे पिछले चुनाव में हतीन से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे भाई इसराइल देवी जी, आदरणीय भाई बलजीत डागर जी, आदरणीय भाई महिपाल बंधु जी, हमारे इलाके के महबूब नेता रहे पूर्व विधायक चौधरी अजमत खान जी के पुत्र भाई साबिर जी, भाई गिरिराज भारद्वाज जी, श्री राजेश्वर गर्ग जी, बहन सविता चौधरी जी, हमारे नौजवान उभरते हुए हमारे इलाके के नौजवान नेता भाई देवेश चौधरी जी, भाई वीरेंद्र गोस्वाम जी, श्री करतार सिंह डागर जी, श्री अभिषेक चौधरी जी, धूम का सरपंच साहब इशाक मोहम्मद चेयरमैन साहब, श्री देवी सिंह पवार जी, श्री बालक राम जी जो अभी आपके सामने मुखातिब हुए, रजाक भाई पार्षद जी, अजीत कुरैशी साहब, राजू खोफिया का जी, और यहाँ मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सबसे पहले लिया और आज के इस हथीन विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बहुत ही कम समय के आह्वान पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए सभी पूजा के योग बुजुर्गों, सत्कार के योग सभी यहां पर मंच पर विराजमान और सभा में आए हुए सभी महानुभाव नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं जो इतने थोड़े समय में आपने हम दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इतना शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर आयोजित किया है। आज मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने मौजूदा सरकार के बारे में अपनी अपनी बात आपके सामने रखी। एक तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आज हम आपका आशीर्वाद जो यहां लेने के लिए आए हैं, वो इसलिए लेने के लिए आए हैं कि तब जब कभी भी इस इलाके पर कोई मुसीबत आई है, जब कभी भी इलाका संकट की घड़ियों से गुजरा है, तो हतीन की 36 बिरादरी के लोगों ने, सभी समुदायों ने, सभी बुजुर्गों ने और सभी भाइयों ने हमेशा इस इलाके का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है। आज 10 साल के इस भारतीय जनता पार्टी के राज में तमाम देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे पलवल और फरीदाबाद जिला, हमारी जो कहानी है, हमारी जो स्थिति है, वो तमाम हरियाणा से और देश से हमेशा अलग है। हमारी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि हम हरियाणा में होने के बावजूद भी हमें हरियाणा का वासी नहीं माना जाता है। हमारी भाषा ब्रज क्षेत्र की भाषा होने की वजह से, हमारे मेवात के भाइयों की मेवाती भाषा होने से हरियाणा के लोग शायद हमें हमेशा पराया सा समझते हैं, और यही लड़ाई हमने पिछले 30-35 साल से इस हरियाणा में लड़ी है। हरियाणा के और देश के नेताओं ने की कोशिश की है कि भाई हम भी इस देश के वासी हैं, हम भी हरियाणा के वासी हैं, इसलिए जो हमारा हक बनता है वो हक हमारे बाल बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी बहन बेटियों को मिलना चाहिए। लेकिन आज जो सबसे बड़ी शिकायत है,
कि आज अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो बनी हुई है वो केवल हमारे पलवल और फरीदाबाद जिले के 36 बिरादरी के लोगों की वजह से बनी है। अगर हमारे दोनों जिले भाजपा के विधायकों को ना चुनाव जिताते तो आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी थी।